हाय दोस्तों, अभी जो मैं 2 BHK का फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ, ये प्रोजेक्ट का नाम है पल। वह आधुनिक डेवलपर बिल्डर हैं, तो इस प्रोजेक्ट का नाम आधुनिक पल है। लोकेशन इसका है बोरीवली 2 नंबर काटर रोड पे। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, TP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए, जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, PDF और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल, कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। हार्डली इसमें 1 BHK 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 BHK ही बचा हुआ है, कुछ 4-5 यूनिट बचा हुआ है सेल करने के लिए। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ 2 BHK का प्रॉपर्टी किस टाइप का है। ये रेडी टू मूव, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में इसका पोजीशन है। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और इसका जो स्ट्रक्चर एलिवेशन कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। और बाहर का व्यू देखें, थोड़ा मैं हायर फ्लोर पे हूँ, 4th फ्लोर पे ही हूँ, तो यहाँ से बिल्कुल आपको ओपन व्यू मिल रहा है। विंडो के साइड से डाइनिंग का मैं आपको व्यू दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल करीबन 4 से 5 टेबल का लगा सकते हैं, चेयर का लगा सकते हैं। एंट्री करते ही आपको हॉल से राइट जब लेते हैं तो आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। यहाँ पे फर्स्ट आपको बेसिन मिल रहा है, उसके बाद बाथ एरिया, उसके बाद एंड में आपको कमोड एरिया। यहाँ पे इन्होंने लगाया नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लेबर लोग खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, इसके लिए इन्होंने बनाया नहीं है। जब आप फ्लैट लेंगे तो आपको सारा कुछ रेडी करके, फिनिश करके आपको मिलेगा। तो ये एरिया मैंने बाथरूम का दिखाया, यहाँ से भी आप देखें तो आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है। साथ ही साथ नीचे आपको AC का आउटडोर या एक्स्ट्रा कुछ सामान रखना हो तो आपको छज्जा मिल जाता है। साथ ही साथ बिल्डर इस तरफ आपको हाफ ग्रिल लगा के दे रहे हैं। विंडो के साइड से बेडरूम का साइज देखें तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे अगर 7x7 का भी बेड डालते हैं तो आसपास में आपको 4 से 5 फुट का जगह मूवमेंट करने के लिए मिलता है। ये मैंने हॉल और एक बेडरूम दिखाया, मास्टर बेडरूम। आगे जब आप लेफ्ट साइड में आते हैं हॉल से तो आपको किचन मिलता है। इसमें गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, वॉशिंग मशीन का स्पेस, और एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस, और इसके बाद ये आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे भी सेम है, ये स्टार्ट में आपको बेसिन, बीच में बाथ एरिया, और इधर आपको टॉयलेट कमोड एरिया मिल रहा है। स्पेस आप देख लें, बाकी फिनिशिंग पूरा जब आप फ्लैट लेंगे तो पूरा का पूरा आपको करके मिलेगा। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉमन बेडरूम। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम का भी व्यू आप देखें तो इधर से आपको पूरा ओपन व्यू मिलता है, कोई आपको ब्लॉकेज नहीं है सामने, और इसमें भी छज्जा नीचे दिया हुआ है। विंडो के साइड से मैं आपको एक बार बेडरूम का पूरा व्यू दिखा दूं। और इसके बाद अंदर से एक बार व्यू देख लें आप पूरे 2 BHK का। अभी मैं पैसेज फ्लोर वो दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लें। ये इसका लिफ्ट एरिया है, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 1 स्टेयरकेस और 2 हाई स्पीड लिफ्ट ये दिया हुआ है। ये वाटर केबलिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का केबलिंग वगैरह है, ये पूरा बॉक्स होके फिनिश होके बढ़िया हो जाएगा। ये 1 से 2 महीने में आपको पोजीशन मिल जाएगा। अभी मैं नीचे आपको एक एलिवेशन दिखा देता हूँ किस टाइप का है, और मेन रोड का कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको आधुनिक पल का मेन रोड और बिल्डिंग जो रेडी हो चुका है वो मैं दिखा देता हूँ, साथ ही साथ कनेक्टिविटी क्या है वो आप देखें। ये बिल्डिंग पूरा 9 माले तक रेडी हो चुका है, हार्डली इसके 2 से 3 महीने में पोजीशन है। और ये इसका बोरीवली काटर रोड नंबर 2 की कनेक्टिविटी है। इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है, आपका पेमेंट जाते ही आपको घर का चाबी मिल जाएगा। जनरली अगर आप लोन वोन लेते हैं तो 1 से 2 महीने का प्रोसेस में तो आपका लोन ही होता है, तब तक घर आपका रेडी हो जाएगा दोस्तों। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members.
we are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnavar. Project ka naam hai Aadhunik Pal. ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी था, अभी ये ऑलमोस्ट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। आधुनिक डेवलपर, काफी सारा इन्होंने काम किया है। और ये जो आधुनिक पल की बात कर रहा हूँ ना, ये बोरीवली में है, बोरीवली कटर रोड नंबर 2 पे आता है ये। और इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट है, 30 से 40 साल पुराने एक्सपीरियंस डेवलपर है ये। और आधुनिक ओरा, आधुनिक ग्रीन्स, आधुनिक बेंड्स CHSL, इस तरह इन्होंने मलाड, बोरीवली, कांदिवली में कई प्रोजेक्ट इन्होंने कम्प्लीट किया हुआ है। अब आज बात करते हैं आधुनिक पल के बारे में। 0.18 एकड़ यानी कि 0.18 एकड़ इसका लैंड एरिया है, रीडेवलपमेंट लैंड है इसका। और 9 माले का टावर है, 1 विंग की सोसाइटी है, हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज इसके जो कुछ भी है 9th फ्लोर पे है। और ग्राउंड लेवल इसका कवर्ड पार्किंग दिया हुआ है, रेजिडेंशियल इसका 1st फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। और रेरा में अगर आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो रेरा का नंबर है इसका P518-000-34716। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिटेल रेरा के वेबसाइट पे अपलोड है। रेरा में इसका पोजीशन अक्टूबर 2027 है, बट ये आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये इनका कमिटमेंट था कि अगस्त 2023 में आपको ये दे देंगे। CC रिसीव था पूरा इसका, ये सिटी व्यू फ्लैट है इसका। लोकेलिटी ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, रेडी टू मूव इन है। सभी बैंकों से आपको लोन इजीली हो जाएगा, जिस भी बैंक में आपको लोन लेना हो, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो। एमिनिटीज इसमें IP बेस्ड CCTV कैमरा, टेरेस सिट आउट रहेगा, जिमनासियम रहेगा। 10 से 20 मिनट के अंदर आप ग्लोबल्स 101 मॉल, कार्निवल सिनेमा, यहाँ से मेन तो कनेक्टिविटी है कि बोरीवली स्टेशन आपको यहाँ से वॉकिंग आता है। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK और 2 BHK, 2 टाइप की प्रॉपर्टी है। 1 BHK का कार्पेट एरिया 434 यानी 434 स्क्वायर फुट का है, और जिसकी प्राइस 95 लाख टू 1 CR यानी 95 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है। और 2 BHK का कार्पेट एरिया 536, 594, 599, 536, 594 और 599, 3 साइज में इसमें 2 BHK बना रहे हैं, जिसका फ्लैट कॉस्ट 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख के बीच में है। तीनों का अलग अलग साइज है। और इसके ऊपर जो मैंने अभी प्राइस बताया है, ये एक बेसिक प्राइस है, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह अलग से आएगा। आगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर से आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके लिए आगे का वीडियो जरूर देखें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर, हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में,
उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ लिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें, कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको? फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है, कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना, तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है, बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइड ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20-30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़ 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचे दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे, जो वो प्राइज बोलते हैं उसमें 1,000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइजिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयरटेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयरटेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों और भी कुछ आपको डिटेल जानना हो या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फ़ोन करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ऊपर कॉर्नर पे भी हमारा नंबर है, उसके बाद मैं और मेरी सेल्स टीम आपको बुकिंग से लेकर टिल पोजीशन तक आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दोस्तों बाकी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट नई फ्लैट में डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका बेनिफिट ले सकें, देख सकें, घर बैठे आप समझ सकें। अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कारम।